आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तरुण बैनर्जी हैं और वो कलकत्ता में सागरिका बैनर्जी के साथ और सुमिता ये इनके साथ में जुड़े हैं। और आज हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी कि क्या भूमिका है, कितने उम्मीदवार हैं, किस तरह के उम्मीदवार हैं, तरुण भाई का क्या काम है कलकत्ता में, तरुण भाई और सागरिका बहन का, ये सब बातें हम करेंगे। तो पहले खड़ा तरुण भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ होएगा। तरुण भाई आवाज आ रही है ना? तरुण भाई हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, हाँ। इसमें सोशलिस्ट पार्टी की क्या भूमिका है, सोशलिस्ट पार्टी ने क्या अच्छा भूमिका ली है बताइए। अच्छा देखिए, ये चुनाव में हम लोग के लिए, बंगाल के लिए एक कॉन्फ्यूजिंग रोल है सोशलिस्ट पार्टी का। कॉन्फ्यूजिंग इसलिए बोल रहा है, पहले तो हम लोग सोचा था जो सोशलिस्ट पार्टी को लेके फुल फ्लेज में 30-40 विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा कर देगा। जो लोग हम लोग का साथ बहुत दिन का समाजवादी आंदोलन में है, मैं कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी मिला के कम से कम 35 ईयर्स लाइन में है। मेरा गुरुजी है डॉक्टर सन्मोतनाथ घोष, मैं उनका पीछे ही बहुत छोटा से है। लेकिन उस टाइम पार्टी नहीं था, मैं इंडिविजुअली एज ए कम्युनिस्ट उनका उनका साथ था। लेकिन मेरा गुरुजी के मैं कहा जे अभी भाजपा बंगला बंगाल में आ रहे तो हम लोग क्या करेगा। मेरा गुरुजी उस टाइम कहा नक्सल लोगों का साथ जाओ, तो मैं नक्सल लोगों का साथ गया। नक्सल लोगों का, माओवादी लोगों का 3 संगठन बना बंगाल में। एक 21 का सनद, मतलब 21st जो इलेक्शन हो रहा है उसका सनद, वो सीपीआई में लिबरेशन बेस है। एक है एंटी फैसिस्ट फोरम, नो वोट टू आरएसएस बीजेपी, वो मेनली मिडिल क्लास नक्सलाइज ग्रुप का है। और एक है माउस ब्लॉक का एंटी फैसिस्ट फोरम। मैं तीनों का साथ ही जुड़ के ये लोग बोल रहे हैं अभी भाजपा को हराना है। उसका बाद संदीप जी, उन्होंने भी हम लोग का गुरु है, उन्होंने हमारा कोलकाता में आया, उन्होंने भी हम लोग को सलाह दिया ये भाजपा का खिलाफ ताकत लगा के पूरा जोर से प्रचार करो। तो मैं उसका पहले कम से कम 10 विधानसभा में घूम के आया, नौलहाटी, रामपुर हाट, बर्धमान, हर जगह में मैं घूम के आया। लेकिन वो लोग नॉमिनेशन मांगा, मैं वो लोग को कन्विंस करने के लिए कोशिश किया कि देखो भाजपा का खिलाफ ही कहना है, तृणमूल का खिलाफ, सीपीएम का खिलाफ, कांग्रेस का खिलाफ एक भी बात मत करो। लेकिन हमारा मेंबर लोग, मतलब हमारा कैडर लोग, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बोल रहे देखिए अगर तृणमूल कांग्रेस इतना टॉर्चर किया, पंचायत निर्वाचन में हम लोग को पिटाई किया, खड़ा होने नहीं दिया, फिर तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तरफा खुद को मुस्लिम सजा के भाजपा का साथ अंडरस्टैंडिंग करके बंगाल में भाजपा को लेके आया, ये सब के लिए। क्योंकि शारदा केलेंकरी का पेन ड्राइव जिसका पास है, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार उसको पकड़ने के लिए सीबीआई आया था, लेकिन बाद में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी साहब का सब पास चला गया। उसके बाद राजीव कुमार को कोई पकड़ा नहीं, वो इशू उठा दिया वो लोग, माने अमित शाह नरेंद्र मोदी मिला के राजीव कुमार खुलाआम घूम रहा है। तो सब मिला के मोदी दीदी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बाम लोग कहता था। तो हम लोग अगर पूरा पूरा खिलाफ भाजपा का खिलाफ ही 99% 10% बात करे, तो आम जनता जो एंटी तृणमूल है वो लोग हम लोग का खिलाफ चला जाएगा। इसलिए मैं कंफ्यूजिंग कहता हूँ। लेकिन मेरा भी तृणमूल का खिलाफ, मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन लिया जाए तो मेरा गुरुस्थानियों आदमी संदीप भाई जो बात कहा हम लोग को, वो मेरे को पर्सनली ठीक लगा, सौरभ को ठीक नहीं लगा।
हमारा अजंता जी का जो राइट हैंड है रोहित, बाबू रोहित, उनको भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मेरे को ठीक लगा, क्योंकि भाजपा आने का बात क्या करेगा उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन भाजपा आने का पहले बंगाल में क्या किया उसका थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। भाजपा बंगाल को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए भाजपा कामतापुरी को मदद दिया नॉर्थ बंगाल साइड में, हाँ कामतापुरी लोगों को मदद दिया, गोरखालैंड को मदद दिया मैंने फ्रैक्शनल जॉब करवाने के लिए, गोरखालैंड लोग नेपाल से रुपया लेके वहाँ उसको कहता है नाशोकतामूलक काम, नाशोकतामूलक काम किया, आदिवासी लोग को मदद किया भाजपा ने, आरएसएस भाजपा ने, बंगाल को चार टुकड़ा करेगा, अगर पावर में नहीं आएगा तो बंगाल में कोटा चार टुकड़ा करेगा, एक गोरखालैंड, एक कामतापुरी, एक आदिवासी लैंड और एक बंगालिस्तान, हुगली हावड़ा कलकत्ता ये सब लेके बंगालिस्तान बनाएगा। ये भाजपा का बहुत पहले से, वाजपेयी की जमाना का ये है, क्या है, प्लानिंग है। फिर ये लोग क्या कर रहा है, पूर्वबंगो से मतलब बांग्लादेश से प्रैक्टिकली कोई आदमी नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे बढ़ चुका है, हमारा बंगाली इंजीनियर टेक्निकल लोग बांग्लादेश में काम कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम लोग का अच्छा दोस्ती है। ये लोग उल्टा उल्टा करके हमारा बंगाली हिंदू लोगों को, बंगाली लोगों को भड़का रहा है। अच्छा, फिर मुस्लिम लोगों का घर घर में जाके बोल रहा है हम लोग सत्ता में आएगा तो तुम लोग को 1 लाख रुपया करके लोन देगा। ये लोग इतना इतना व्हिस्परिंग कर रहा है, एक एक आदमी को एक एक बात कह रहा है। जो हरे कृष्ण वाला है मोतुआ, उसको कह रहा है उसका 1 करोड़ आदमी अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिला ड्यू टू डिविजन ऑफ इंडिया, तो वो लोग को कह रहा है हम लोग तुम लोग को नागरिकत्व दे देगा, बहुत पहले से कह रहा है, आज तक दिया नहीं, मतलब एक एक जगह में जाके एक एक टास्क कार्ड खेल रहा है। मुस्लिम लोगों को बोल रहा है 1-1 लाख रुपए करके देगा, लड़की लोग को 51,000 शायद लखनऊ में दिया है योगी आदित्यनाथ, मुस्लिम औरत लोगों को कुछ पैसा दिया है वो देखा के मुस्लिम औरत लोग को वो कह रहा है। लेकिन भाजपा का जो मेनली एजेंडा है एनआरसी पकड़ देना, माने एनआरसी लाइन में हम लोग को बंगाली लोग को पहले खड़ा कर देना, माने मुस्लिम लोगों को हिंदू लोगों को, ये किसी को मालूम नहीं हो रहा है। मुस्लिम लोग भी भाजपा कर रहा है, परिवर्तन चाहिए बोल के भाजपा कर रहा है। यहाँ आके योगी आदित्यनाथ कह रहा है हम लोग नेताजी सुभाष बोस का संतान है, लेकिन हम लोग को हर मोहल्ला में जाके कहना चाहिए जे ए आरएसएस तीर धनुक लेके एरो बो लेके वो एरो मार रहा था नेताजी को, एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ब्रिटिश का एजेंट था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो जो क्रांतिकारी स्टूडेंट पैदा होता था उस जमाने में सबको पकड़ देता था, ब्रिटिश का हाथ में हैंडओवर कर देता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना का साथ मिलके देशभक्त का पैसिवली एक्टिवली सपोर्ट किया, ये वो लोग को बांग्लादेश दे दो, हम लोग को पश्चिमबंग दे दो, वेस्ट बंगाल दे दो, मतलब हिंदू महासभा भी डिविशन का एक पार्ट है। ये सब आम आदमी का पास बोलना चाहिए, नहीं तो आम आदमी अभी कल सोच रहा है। ये लोग रविन्द्रनाथ को कितना एंटी किया, लेकिन यहाँ आके वो लोग बोलते हैं हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का संतान है। वो लोग हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट नहीं मांग रहा है, क्योंकि राजा बाजा मेटिया ब्रुज खिदिरपुर में तब अभी मुस्लिम लोग भी भाजपा कर रहा है, वो लोग नेताजी को आगे रख रहा है, काजी नजरुल इस्लाम को वो लोग मानता ही नहीं। काजी नजरुल इस्लाम हमारा बहुत बड़ा क्रांतिकारी कवि है, वो क्रांति काजी नजरुल इस्लाम का भी शिष्य बन गया, उसका आईटी सेल से इतना ताकतदार प्रचार किया कलकत्ता आमा स्ट्रीट में, वो आईटी सेल बनाया, वो आईटी सेल में हर रोज कुछ ना कुछ कर रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये जो फैसिज्म आ रहा है, संदीप भाई सही बात किया, ये एक भी वोट तृणमूल का एक भी वोट सीपीएम का काटना नहीं चाहिए, चाहे सोशलिस्ट। देखिए मेरे को संदीप भाई आके थोड़ा बहुत देख के गया, ये मेरे को सचमुच लाखों लाखों आदमी पहचानता है, सचमुच मैं कोई भी मोहल्ला में जाता है तो आदमी लोग बाहर आ जाता है, लेकिन मैं कोई भी आदमी को, आज पूरा दिन था, पूरा दिन प्रचार किया, कम से कम 200 200 आदमी का पास गया, मैं मेरा पॉकेट का आदमी लोग का पास गया, मैं सबको बोला भाजपा का खिलाफ वोट दो। बहुत सारा सारा जगह में झगड़ा फोगड़ा हो गया, तब भी बोला ये मेरा मुंह देख के भाजपा का खिलाफ वोट दो, मेरा मुंह देखो भाजपा का खिलाफ वोट दो। इसलिए मैं कहा जे ये लोग आके डांडा छोड़ के बंगाली आदमी को कुछ नहीं देने वाला है,
बंगाली आदमी पछताएगा। संदीप भाई सही बोल रहा। और संदीप भाई का मुख से, मुंह से ही मैं भागलपुर में सुना है पहले, जे सावरकर जी 30 रुपया उस जमाना में ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेंशन लेता था। ये इन्फॉर्मेशन मेरा पास नहीं था, लेकिन सावरकर जी ब्रिटिश का एजेंट था, हिंदू महासभा बनाया, ये इन्फॉर्मेशन मेरा पास था। 30 रुपीज का इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं जितना दूर हो सके ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये A1 सिटी है। सोशलिस्ट पार्टी को खड़ा होना है, सोशलिस्ट पार्टी का एडवर्टाइजमेंट देना है। मेरा मानना है, मेरा मानना है, मैं सेंट्रल कमिटी के साथ अपील रख रहा हूँ, ये पूरा कलकत्ता में, मतलब 1 किलोमीटर छोड़ छोड़ के दो दो झंडा अगर सोशलिस्ट पार्टी का लगे तो सोशलिस्ट पार्टी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी इतना पुराना पार्टी है। अभी नया नया लड़का लोग हमारे साथ जुड़ रहा है, जलपाईगुड़ी से भी एक बुरा आदमी पार्थ चक्रवर्ती को कहा जे सोशलिस्ट पार्टी पुराना आदमी है, मैं भी वो सोशलिस्ट पार्टी करता था, आप लोग सोशलिस्ट पार्टी करो। बहुत सारा जगह में मैं जब झंडा देखा था हूँ, बहुत बुरा आदमी, बुजुर्ग आदमी मेरे को बोलता है जे ए पार्टी सच्चा पार्टी है, ए पार्टी आप लोग आगे बढ़ो। मैं मेरा दिल से बहुत साल से ही मन्नालाल सुराना जी को मैं कह रहा हूँ, मेरे को अगर मौका मिले मैं पूरा कलकत्ता में कम से कम सोशलिस्ट, पूरा कलकत्ता में 100 किलोमीटर सोशलिस्ट पार्टी का बैनर लगाऊंगा, झंडा लगाऊंगा। ये मेरा दिल का इच्छा है, क्योंकि यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अभी 10-15 दिन बाकी है, मेरा का यही इच्छा है कम से कम 1 किलोमीटर छोड़ के एक एक दो दो झंडा लगा दे। फिर जो अगर पैसा नहीं है, टैबलो अगर नहीं मिला, तो वैन गाड़ी लेके पूरा कोलकाता में घूमूंगा सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लेके। हर जगह में हैंड माइक लेके ही भाजपा का खिलाफ बात रखूंगा, ये मेरा दिल का इच्छा है। अजंता दी का कोई, अजंता दी लाइन में है शायद, सुन रहा है, अजंता दी आदमी मांग रहा है मेरे से। मैं सबको बोल रहा है, देखिए सेंट्रली अभी तो स्टेट पार्टी का इतना ताकत नहीं है जो मेरा पास बहुत आदमी है और सब जाएगा। तब भी रायगंज में सागरिका जी गया था, अजंता दी का पास भी सागरिका, सुमिता, पार्था चक्रवर्ती और दो चार आदमी जाएगा, दिव्यन्दु का पास और कोई एक बात तो गया ही। अच्छा, उधर बेलाल शेख का पास जाएगा, सोमनाथ दा जाएगा, मैं अरेंज किया। अभी शमसुल दा मुरारोई से खड़ा होगा बोल रहा है, शमसुल दा कल आएगा। मैं उनको बोला जो पुराना पार्टी का सा ताल्लुक छोड़ो, हर मोहल्ला में जाके 1 पॉइंट टारगेट भाजपा का खिलाफ कहना है। अभी जोंगीपुर में हमारा आदमी है MM बोगदादी साहब, वो अच्छा भाषणबाजी करता है। मैं बोगदादी साहब को बोला, आपका भाषणबाजी से जोंगीपुर में कांग्रेस स्ट्रांग है, कांग्रेस को ही सपोर्ट कर दो, जो जहां स्ट्रांग है वहां उसको सपोर्ट कर दो, खुद को वोट मात मांगो। ऐसी तो एक देखिए, किसी कोई वोट नहीं मांगे, मैं अगर वोट भी नहीं मांगे, ले मेरा जो 1000 स्टूडेंट है वो मेरे को ही वोट डालेगा, नहीं तो नोटा में मार देगा, मेरा ये कहना है। तब भी मेरा स्टूडेंट लोग को बोला ये तृणमूल को वोट मार दो, मेरा वोट ही तृणमूल को मार दो। मैं ऐसी बोल रहा है, मैं कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट होकर कह रहा हूँ भाजपा को मात वोट दो। कैंडिडेट होने का नाते, तब कैंडिडेट क्यों हो रहा हूँ, कैंडिडेट होने का नाते एक वेट मिलता है, जो वेट से मैं समाज में बात रख सकता हूँ। ऐसी ऐसी बात रखने के लिए जाऊंगा तो एलेवेले हो जाएगा, जो मेरा स्टूडेंट है वो लोग सोचेगा टीचर आया है, टीचर कुछ कह रहा है, आम जनता मेरा बात नहीं सुनेगा। जब कैंडिडेट होकर मैं कहूंगा कुछ बात, तब आम आदमी मेरा बात सुनेगा। संदीप जी का जो वार्ता है, वाणी है, वो मेरे को पर्सनली बहुत बहुत बढ़िया लगा। ये भाजपा को काउंटर करो, आज लास्ट 15 डेज मैं नॉमिनेशन सबमिट करने के बाद लास्ट 15 डेज मैं तो पूरा 18 घंटा भाजपा का खिलाफ भाषणबाजी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए थोड़ा झंडा बैनर संदीप जी मेरे को मदद करेगा बोला, सब कुछ हो जाएगा। यही है, अजंता दी को भी बोला, ठाकुरिका जी अजंता जी का घर जाएगा, जाके थोड़ा बहुत जितना हो सके प्रचार करेगा चुचुरा विधानसभा में। और कोलकाता में मैं तो हैंड माइक लेके अकेला दो चार मेंबर लेके मैं कर दूंगा, वैन फैन लेके साइकिल लेके कर दूंगा, क्योंकि इतना गुस्सा है। पूरा कम से कम 5000 करोड़ रुपया आम आदमी का पॉकेट से SBI काट लिया, माने चोरी किया, पूरा बैंक जालियाती कर रहा है, जियो को सामने लाके पूरा माने आदर्श टेलीकॉम डिपार्टमेंट BSNL को जालियाती कर रहा है, मतलब पूरा स्कैम है। जियो 10,000 करोड़ का एक स्कैम है, सब जानता है, आप लोग सब जानता है।
इतना गुंडागर्दी करेगा भाजपा, मेरे को तो बहुत ही गुस्सा हो रहा है इमोशनली। हाँ, तो संदीप भाई थियोरिटिकल आदमी है, अच्छा आदमी है, संदीप भाई जैसा मदद कर रहा है आइडियोलॉजिकली, ये आइडियोलॉजिकली मदद चाहिए। हाँ, गौतम भाई अगर मीटिंग में है तो गौतम भाई बंगाल का ऑब्जर्वर है, मैं कहूंगा 10-20 दिन आके इधर बैठ जाइए। और भाजपा का जात पात का बात नहीं है, जात पात कास्टिज्म चलता नहीं बंगाल में। मैं इतना साल से बड़ा हुआ, मैं बना बैनर्जी बोल के ही मैं सोशलिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट बना, ऐसी नहीं है। ममता बनर्जी बैनर्जी बोल के ही तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, ऐसी नहीं है। ममता बनर्जी बहुत लड़ाई किया, सीपीएम बहुत पिटाई किया उसको, लड़ाई करते करते ही वो नेता बना, ऐसी नहीं है। वो ब्राह्मण है बोल के ही उसको कर दिया, बुद्ध तो भट्ट ब्राह्मण है बोल के सीपीएम कर दिया, सब ब्राह्मणों बाद है, ऐसी नहीं है। मैं भी बैनर्जी हूँ, एक्सीडेंटली मेरा पैदा बैनर्जी से हुआ तो मैं क्या करूँ, इसका मतलब नहीं है। एक कास्टिज्म गौतम भाई को छोड़ना पड़ेगा, बंगाल में कास्टिज्म चलता नहीं है, पैसिवली है, पैसिवली है। शादी का टाइम मैक्सिमम शादी का टाइम मैं देखा कि कास्ट ढूंढता है, लेकिन एक्टिवली कास्टिज्म नहीं है। कोई या किसी को पूछता नहीं है आपका कास्ट क्या है, कोई भी पूछता नहीं, ये कल्चर ही हम लोग का नहीं है। तो मैं ओबीसी कैंडिडेट मैंने ढूंढ के लेके आऊँ जो हमारा ऑब्जर्वर मेरे को बोला, तो ये ऐसी बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं है सोशलिस्ट पार्टी में। मैं तब तब सोशलिस्ट पार्टी क्यों कर रहा हूँ, मैं सोशलिस्ट पार्टी इसलिए कर रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बहुत साल छोटा से कम्युनिस्ट पार्टी है, क्लास 7 से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का नाम पे सेंट्रलाइजेशन है। यह मैं तो स्कूल ला बात रखता हूँ, मैं वहां छोड़ के गांधीयन वार्धा में गया था, बिना में मैं 3 साल था बिना में, अकेला अकेला किसान मजदूर सोशलिस्ट सेना बनाया था उस टाइम, मैं देखा बिना में सर्वोदय भवन में था, बिना में सर्वोदय भवन है, वह खादी का काम करता था, वार्धा में खादी असांगठनिक असरकारी खादी संघ बना था, उसका सह संपादक बना था मैं, लेकिन वहां भी देखा डेमोक्रेसी है। सोशलिस्ट पार्टी में मैं देखा डेमोक्रेसी है, कम से कम एक छोटा आदमी भी बात कर सकता है, ऐसी नहीं है थ्रू प्रेसिडेंट थ्रू सेंट्रल कमेटी जाना पड़ेगा। मैं भी अजंता दी जब जाता है मैं डायरेक्ट संदीप भाई के साथ बात करूँ, किसी भी डेमोक्रेसी हाईली डेमोक्रेसी, लेकिन विद इन विद इन विद इन लिमिट विद इन सोशलिज्म सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आप डायरेक्ट बात करो, सब डायरेक्ट बात कर सकता है, इसलिए मैं सोशलिस्ट पार्टी कर रहा है। लेकिन जब ये वो पांडे है बोल के हमारा लीडर है, बैनर्जी है बोल के हमारा लीडर है, ये बात में आ जाएगा कोई तो वो मेरे को दुख होता है, सीधा मैं बोलता हूँ। है जात पात कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं आए। फिर फैजल भाई का अगर बात आए तो मैं बोलूंगा कि फैजल भाई को आप सब मिल के बंगाल में लेके आइए, बंगाल में फैजल भाई प्रोग्रेसिव आदमी का पास एक हीरो बन गया। मेरा एक दोस्तानी है, गर्लफ्रेंड है, बड़ा इंजीनियर है, वो मेरे को दिखाया जे ये देखो, मैं उनको जब फैजल भाई का बारे में मैसेज भेजा, वो मेरे को न्यूज़पेपर का कटिंग भेजा, बहुत सारा न्यूज़पेपर में फैजल भाई का बात आया था। अगर तुलसीदास ए जमाने में तुलसीदास हाँ तुलसीदास संत कबीर ए जमाने में पैदा होता तो संत कबीर को भी ये अमित शाह नरेंद्र मोदी पकड़ के अंदर रख देता, ये टेलीग्राफ का न्यूज था। तो ऐसी मतलब इम्प्रेसिव आदमी लोग हमारा साथ है, संदीप भाई फैजल भाई जैसा। शायद हम लोग बड़ा हो जाएगा तो मेधाजी भी हम लोग का साथ आ जाएगा। सुनीलम जी तो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का साथी है, आइडियोलॉजिकली हम लोग का कॉमरेड साथी दोस्त है सुनीलम जी, तो पूरा ये हाईली डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये पार्टी मैं सबको अपील करूंगा, सब अगर 10-10-10-10 करके आदमी लोग को ढूंढे हमारा साथ जुड़े तो हमारा पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगा, एक नंबर पार्टी बन जाएगा। और बंगाल में तो एक नंबर पार्टी बनेगा ही बनेगा, बंगाल में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी अल्टरनेटिव नहीं है, बंगाली कल्चर का साथ भाजपा का कल्चर मिलता नहीं, कोई भी मिलता नहीं, कोई कुछ अंतर से मिलता नहीं है। जो लोग प्रोग्रेसिव है, जो लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानता है, काजी नजरुल इस्लाम को जानता है, अरविंद घोष को जानता है, जो लोग हमारा मास्टर था सूर्य सेन को जानता है, वो लोग भाजपा का खिलाफ है। जो लोग नेताजी सुभाष बोस की भी जो जानता है भाजपा का खिलाफ है, भगत सिंह को भी जो लोग जानता है भाजपा का खिलाफ है, लेकिन भाजपा लोग ये सब का नाम यूज करके पूरा बंगाल का मैदान खराब कर रहे हैं।
और एक पोल्यूशन भाजपा आने का बाद छड़ाया, स्प्रेड किया। सांवादिक लोगों को 2,000 से 5,000 रुपया देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पहले हम लोग लेफ्ट जमाने में भी देखा, लेकिन लेफ्ट आदमी चोरी किया, थोड़ा बहुत फ्लैट फ्लैट खरीदा, है झोपड़पट्टी से फ्लैट में गया, लेकिन कोई लाखों करोड़ रुपया चोरी करने के लिए हम लोग देखा नहीं। हम लोग लेफ्ट फ्रंट का खिलाफ बहुत साल राजनीति किया, छोटा सा ही राजनीति किया, लेकिन कभी भी मैं देखा नहीं। लेकिन भाजपा आने के बाद हर सांवादिक को 5,000, 2,000, 10,000 करके देता है, इसका बदली में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा तो कम से कम 50,000 पॉकेट में जेब में लेके बुलाना पड़ेगा। बंगाल का ऐसी संस्कृति भाजपा लोग डाला है। फिर क्या है, हर कैडर को लोग 600 करके, 600 करके, 600 करके पैसा देता है। ये भी एक गंदगी का बात है, दुर्गंध का बात है। ये पैसा बिना कोई नहीं करेगा, काम करेगा। पहले आदमी लोग आइडियोलॉजिकली काम करता है। हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का पक्ष में है। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का पक्ष में है। अच्छा, कांग्रेस वेलफेयर कैपिटलिज्म का पक्ष में है, और भाजपा होच्छे नियो कैपिटलिज्म, पूरा लूटपाट करके खाएगा, पूरा कुछ नहीं देगा, सब वो लोग ही खाएगा। बंगाल का जो भाजपा का जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है दिलीप घोष, वो लॉकडाउन पर्व में बोला, जब सब चावल मांग रहा था, वो बोल रहे कोई गरीब आदमी नहीं है, सबका पास 80 लाख से 1 करोड़ रुपया है। ऐसी वो लोग का दृष्टिकोण है। तो ये जो नोंगरा दृष्टिकोण है, गंदे की दृष्टिकोण है। और भाजपा में जा रहा है कौन लोग, तृणमूल का चोर, डाकू, गुंडा, शारदा केलेंकारी का नायक लोग ही जा रहा है। ममता बनर्जी का बहुत खराब है, लेकिन ममता बनर्जी का हाथ में एक डंडा है, जागीरदार है, वो जागीरदार है बंगाल। लेकिन ममता बनर्जी का बैंक बेचने का क्षमता नहीं है, जमीन बेचने का क्षमता नहीं है, खनी बेचने का क्षमता नहीं है, तेल बेचने का क्षमता नहीं है, और देश का रुपया बाहर भेजने का क्षमता नहीं है, राफेल केलेंकारी का काटमनी खाने का क्षमता नहीं है। इसलिए हम लोग पैसिवली अगर ममता को सपोर्ट दिया जाए, तो हम पूरा कलकत्ता में घूम, मैं तैयार हो रहा हूँ पूरा कलकत्ता में घूम के 18 घंटा, हाँ घूम 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 के बात करूंगा, बात रखूंगा। कोई मेरा बात नहीं सुने, आम जनता तो सुने। और ऑफिशियली हमारा लीडर, हमारा गार्जियन संदीप भाई अगर आएगा, तो ममता जी के साथ ऑफिशियल बात करवा दूंगा, ये हमारा लीडर आया, कम से कम बात करो। हाँ, अभी पुरुलिया का वोट हुआ, वो लोग ईवीएम हैक करेगा, बंगाली आदमी ये सोच रहा है, ये विश्वास रखता है, वो किसी प्रकार, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंफॉर्मेशन है, किसी प्रकार वो लोग हैक करके 180 सीट लेगा बंगाल में। मतलब ये जो वोट हो रहा है फॉल्स वोट हो रहा है, और बहुत पैसा वो लोग फेंक रहा है रास्ता रास्ता में, बहुत पैसा। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक राइट हैंड है संजय कुंडू, उसको बोला एक दिन के लिए तुम ड्यूटी मारो, 5,000 रुपया दूंगा, रुपया देने का पहले मैंने जॉब करने के पहले तुम्हारा साथ चुक्ति हो जाएगा, तुम जॉब करोगे, हाँ तुमको 2,500 रुपया दे दूंगा, जॉब से निकलने का बाद तुमको और 2,500 रुपया दे दूंगा। तो संजय राजी हो गया था, संजय मेरा पास आया था। मैं बोला देखो, आलू बेचो, पटोल बेचो, बेचो बीज, बीज मतलब सीड, बीज खानी बेचो ना बंधु, तुम्हारा आँख का मणि, आँख का, आँख का जो मणि होता है ना, काला कलर का, वो मत बेचो, 5,000 रुपया तुम खाओगे, और बैंक से तुम्हारा तुम्हारा बैंक अकाउंट से 50,000 रुपया भाजपा ले लेगा, और तब तुम दिल से दुख मिलेगा तुमको, ये मैं ऐसी पार्टी का दलाली किया जो पार्टी मेरे को 5,000 रुपया दिया, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट से 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया खा लिया। तो तुम मेरा साथ ही घूमो, कोई दलाली फलाली करने के लिए 5,000 रुपया कर ले मत जाओ, तुम्हारे पास जितना पैसा है कुलीगिरी करके एक दुकान चलाता है, दुकान चला के वही रखो तुम्हारे पास, लोभ लालच मत करो। मैं उनको समझा दिया, वो बोला तब नहीं जाना है, मैं बोला माँ बिल्कुल मत जाना है, कुछ मैंने कुछ आइडियोलॉजी मत बेचो, कुछ दलाली मत करो,
जो 10 आदमी लेके हम लोग इकट्ठा लूची आलू दम खाके, चावल दाल खाके, हाँ आलू चोखा खाके काम कर रहा है साल भर, वो 10 आदमी मिलकर हम लोग काम करेगा, वो लोग अगर 6 हजार करके 12 हजार करके देगा, मैं तो लेने वाला नहीं है। 4 बार युवा मोर्चे का लीडर लोग मेरा पास आया था, कोई नक्सल लीडर मोहित राय भेजा था जादवपुर निवासी से, ये आप मानिकटोला विधानसभा में कैंडिडेट हो जाओ। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं, मानिकटोला विधानसभा में जितना पोस्टर है भारत भावना का नाम पे, सोशलिस्ट पार्टी का नाम पे, पूरा मेरा ही पोस्टर है भाजपा के खिलाफ। एक ही 1 पॉइंट टारगेट, डिफीट बीजेपी, डिफीट बीजेपी, यही मेरा कहना है एज ए प्रेसिडेंट। सौरभ अगर सुनेगा तो सौरभ को भी बोल रहे, भाजपा के खिलाफ जितना जोर आवाज उठा सकते है उठाओ, अजंता दी आप भी भाजपा के खिलाफ जितना आवाज उठा सकते है उठाओ, बिलाल तो मेरा बात सुनता है, वो 10 हजार आदमी का पास मेरे को लेके ही गया था भाजपा के खिलाफ, मैं उधर भी बोल दिया बिलाल, बिलाल का उधर। अभी मुरारोई में एक दिन जाऊंगा, पूरा दिन घूमूंगा मुरारोई शमसुल मियाँ का उधर, और भाजपा का खिलाफ ही भाषण रखूंगा। हाँ ठीक है, संदीप भाई शायद मेरे मेरा ये बात मानेगा, क्योंकि संदीप भाई भी यही बोला था पहले, अभी क्या बोलेगा मेरे को मालूम नहीं है चलिए ठीक ये। है ठीक है। सौरभ भाई, अरे तरुण भाई, आपने बहुत विस्तार से बात रख दी, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इस चुनाव में जहां जहां अपने कैंडिडेट हैं, जैसे आप मानिकतला से खड़े हो रहे हैं तो आप तो अपने लिए ही वोट मांगेंगे, लेकिन बाकी जगह हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने की स्थिति में है उसको ही हम सपोर्ट करें। तो मैं अब चाहूंगा कि हमारे साथ सौरभ चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, और मैं एक और देख रहा हूँ कोई साथी जुड़े हुए हैं गैलेक्सी नाम से। अच्छा, दीपेंद्र सर, दीपेंदु आप हैं, दीपेंदु भाई। तो नमस्ते नमस्ते। तो सौरभ भाई, पहले आप बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका अभी नॉमिनेशन हुआ है कि नहीं? गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सौरभ भाई जी, हाँ मेरा नॉमिनेशन आज हो गया। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका बेटा है साथ में? नहीं, मेरा तो लड़की है, अच्छा लड़की है, ये छोटा नहीं है, अच्छा, मैं कोई जहाँ बात पे भी घुसता हूँ वो आपको समझ आएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको साथ में रहने दीजिए, हाँ कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो आपका 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 इलेक्शन कब है, कौन सी तारीख को? 17 अप्रैल, और ये कौन सा अप्रैल? 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप आपका आपके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने प्रचार शुरू कर दिया होगा, तो कौन कौन से इश्यूज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, पहला इशू तो करप्शन जो सबसे बड़ा है, ये इशू आज बहुत ही, और जो एक है अनएम्प्लॉयमेंट, ये वेस्ट बंगाल के लिए सबसे बड़ा रहता है इसके टाइम पे, जो एक्चुअली जो शुरू हुआ है 1977 के बाद से ही, और अभी तो इस पर वो जो खोलता है तो ऊपर ठोका जा रहा है, बात ऐसा ही हो रहा है, जो भी है अभी सिचुएशन तो ठीक नहीं है। मेरा हिसाब से जो बात मैं सहमत हूँ कि बीजेपी हमारे लिए अभी सबसे बड़ा खतरा है, जो इससे ज्यादा इससे बड़ा शक्ति तो और कोई हो नहीं सकता है देश के लिए, खतरा तो यही है। लेकिन मेरा हिसाब से ये टीएमसी भी, हाँ बात यह है कि पहला तो सबसे बड़ा खतरा को समझना चाहिए, इससे तो ठीक है। लेकिन मैं जो बात है कि मैं खुद के लिए मांगूंगा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लिए वोट देना है जिसको भी, और उसके हिसाब से मैं एजेंडा भी तैयार किया हूँ, मैं हर जगह पे जा रहा हूँ, और ये प्लान भी हो गया कि 31 मार्च पे जो स्पुटनिक का डेट है, तो उसके बाद 5 अप्रैल से एक टोटो के ऊपर 2 माइक लगा के घूमना पड़ेगा। तो 7 दिन का, अगर ये 2,50,000 से थोड़ा ज्यादा वोटर है, 289 बूथ है, तो इसी पे जाना पड़ेगा। जैसे जो म्यूनिसिपैलिटी है, 3 म्यूनिसिपैलिटी और 3 म्यूनिसिपैलिटी पे कुल मिला के 50 50 वार्ड्स है, ये 50 वार्ड्स पे जो 3-4 दिन पे कंप्लीट करना पड़ेगा, और बाकी जो भी पंचायत है वो भी कुल मिला के शायद 7 दिन, 7 से 8 9 दिन पे ये खत्म करना पड़ेगा माइक्रोफोन से, एक टोटो के ऊपर 2 माइक लगा के, यही मेरा अभी के लिए प्लान है। फिर जब सिंबल मिल जाएगा तब लिस्ट बना के
10,000 लीटर का पैन है जो हर घर पे जाके वो देना पड़ेगा, जितने जितने लोगों के पास है वो देखना पड़ेगा। पोस्टर इसलिए नहीं लगाना चाहता हूँ, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है चुचुरा पे वो लोग पोस्टर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ रहा है वहाँ पे, तो अगर फाड़ देगा तो वो लगा कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए घर पे जाना पड़ेगा। हाँ वही अजंता सरकार का पोस्टर फाड़ रहा है वो लोग। आपका आइडिया ठीक है डोर टू डोर कैंपेनिंग वाला। अब आप जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब मैं चाहूंगा दीपेंदु भाई जरा आप अपना माइक ऑन कीजिए। दीपेंदु सरकार अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए। और रोहित सरकार के साथ कौन है, अजंता जी आई है क्या? अपना माइक ऑन कीजिए। प्रचार में हूँ संदीप जी, प्रचार में हूँ मैं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम घर में जाके बात करते दीपेंद्र भाई से कीजिए, हम कंटिन्यू कीजिए। हाँ आपके तो, आपके साथ अजंता जी है, आपके साथ अजंता जी है। हाँ तो अजंता जी से बात कराइए और दीपेंद्र भाई अपना माइक ऑन। नहीं वो बात नहीं बोले, प्रचार में हूँ ना अभी, पब्लिक के साथ हूँ मैं, थोड़ा 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं ठीक है दीपेंद्र भाई अपना माइक ऑन कीजिए। दीपेंद्र भाई एक मिनट, मैं दीपेंदु को फोन करके बताता हूँ, ठीक है? हाँ जरा फोन कीजिए और फोन करके फिर आप ही के साथ कुछ और बात करते हैं। तब तक हमें तरुण भाई ये बताइए कि आपके मतलब आपका अंतिम निर्णय क्या हुआ है, कितने कैंडिडेट हैं, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कौन से तारीख को इलेक्शन है, जरा एक बार हमको समरी बता दीजिए। तरुण भाई हाँ कितने कैंडिडेट हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन से तारीख को इलेक्शन है, जरा बताइए। 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट जी। सबसे पहले तो अजंता सरकार है। हाँ हाँ, वो 10 तारीख को वोट है चिंसुरा से, 10 तारीख को वोट है। उसके बाद हाँ। उसके बाद 22 तारीख का वोट है इसका और सौरभ का, 22 तारीख दिव्यन्दु का नहीं, अभी अभी सौरभ ने बताया कि 17 तारीख को उनका है ना। हाँ उनका 17 और 22 का दिपेंदु का है। हाँ 17 तारीख को सौरभ का है, 22 को दिपेंदु का है और बिलाल और आपका जो है वो 29 तारीख का है, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल तो ये हुए 5 कैंडिडेट। छठा कैंडिडेट कौन है? मुरारोई से शमशुल मिया। हाँ शमशुल मिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मुरारोई। मुरारोई और इनका इलेक्शन कब है? 29 अप्रैल। अच्छा ये भी 29 अप्रैल है, ठीक है। तो आपने कहा कि वहां पे कुछ लोग प्रचार के लिए जा सकते हैं, तो आप उनको कब बुलाना चाहेंगे कलकत्ता में? कभी हम लोग प्रचार चालू कर दिया। अच्छा अच्छा अभी से लेके, और आपके पोलिंग 29 तारीख को है तो यानी कि 27 तारीख तक आपका प्रचार चलेगा। हाँ, तो 27 तारीख के पहले तक कोई भी जा सकता है। ठीक है, गतकाल से हम लोग प्रचार चालू कर दिया, आज तो मैं पूरा दिन रास्ता में ही था। जी जी अच्छा दीपेंदु भाई आपको आवाज आ रही है? आपका माइक तो ऑन दिख रहा है लेकिन आपको आवाज हमारी मिल रही है कि नहीं? दीपेंदु सरकार, दीपेंदु को मैंने अभी अभी कॉल किया था तो उसने बोल रहा है कि शायद वो कभी आवाज सुन रहा है कभी नहीं सुन रहा है, यही बोल रहा है। पहले तो उसका काफी अच्छे से दिखाई पड़ रहा था लेकिन अभी नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सौरभ भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताइए। रानाघाट उत्तर पश्चिम नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। रानाघाट उत्तर पश्चिम मतलब रानाघाट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ठीक है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कलकत्ता से कितनी दूर है? ये बाय ट्रेन लोकल ट्रेन 2 आवर। लोकल ट्रेन से 2 आवर्स है। और आपका आपका अजंता जी के बाद सबसे पहले आप ही का इलेक्शन है 17 तारीख। हाँ, पहले अजंता जी का उसके बाद आप। अच्छा आप, मैं देख रहा हूँ कि अजंता जी भी आ गई है, तो अजंता जी आप बात करेंगी? अजंता जी बोलो। हाँ नमस्ते पांडे जी। नमस्ते, क्या हाल चाल?
अभी तो मैं जो इलाके में प्रचार में है ना, तो इसीलिए तो ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। कोई कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा 5 मिनट में बता दीजिए कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है और कौन कौन सा अच्छा इश्यूज को लेके आप अच्छा प्रचार कर रही हैं। हाँ, जो प्रोचेस तो अभी चल रहा है तो देखते हैं क्या, ये बहुत बड़ा इलाका है तो 435 तीन लाख हाँ 3 लाख वोटर्स है, तो इतना बड़ा इलाका है तो इसमें सबको पास जाना बहुत मुश्किल होना होना माने हो जाता है। जानते हैं क्या, हमारे पास तो बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो हमारा जो ताकत है, थोड़ा सा जो मैन पावर है उसमें हम लोग चल रहा है। हाँ, तो अभी तो बहुत देर नहीं है, 7-8 तारीख को ये प्रचार खत्म हो जाएगा, 10 तारीख में वोट है। हाँ, अभी और क्या है, वो जो डीएम ऑफिस और जो जगह है उसमें भी ट्रेनिंग चल रहा है, कभी कोई ईवीएम का ट्रेनिंग, तो कोई खाता भरने का ट्रेनिंग ऐसा हो रहा है, तो हमारा पास टाइम बहुत कम होता है। हाँ, तो वो देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाए। हाँ, और ये आपका बोलिए। इलेक्शन इलेक्शन सिंबल क्या है? इलेक्शन सिंबल हाँ, इलेक्शन सिंबल हम मैंने भेज दिया, वो जो हैंड कार्ड, वो जो हाथ से जो गाड़ी चलाना जाता है ना, हाँ वो हमको मिल गया, वो पहला जो हाँ सिंबल हम लोग दिया तो जो एसडीओ साहब आरओ वो अप्रूव कर दिया। वो सिंबल मैंने क्या किया, वो अलग से स्टैम्प बना के उसमें स्टैम्प कर दिया, वो जो लीफलेट हमारा है। हाँ, ठीक है तो ऐसे ही सिंबल है। हाँ तो हाथ वाला ठेला गाड़ी आपका सिंबल। हाँ 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 ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी। अच्छा तरुण भाई, मैं ये चाहूंगा कि बाकी जो कैंडिडेट नॉमिनेशन करने वाले हैं तो वो भी कोशिश करें कि यही वाला सिंबल ले, ताकि पार्टी के हर एक कैंडिडेट का एक ही सिंबल हो, ऐसा कोशिश कीजिएगा अगर मिल जाए। हाँ जरूर जरूर, मैं बोल दिया सबको। हाँ 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 दीपेंदु भाई आए थे, दीपेंदु भाई आवाज सुनाई पड़ रही है? दीपेंदु भाई, अच्छा अजंता जी, आपके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से मुद्दों को लेके आप जा रही हैं जनता के बीच में? अजंता जी अजंता जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, तो जरा ये बताइए कि कौन से मुद्दों को नहीं ले। भा नहीं भैया जी, ये क्या हो रहा है जी, प्रचार में हूँ ना, इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो इसलिए इधर उधर जाने के लिए तो तकलीफ हो रहा है। हम लोग बात ठीक है, करें वो क्या? अजंता अरे 1 मिनट कथा बोले ने ना, 1 मिनट कथा बोलते কি অসুবিধা আছে, 1 মিনিট একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়াও কথা বলে নে, 1 মিনিট। 1 মিনিট কি আছে, একটা দুটো লোকের কাছে পড়ে যাবি, 1 মিনিট একটু কথা বলে নেব না। হ্যাঁ বলুন কি। ধরো বলছে কোন 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 ইস্যু নিয়ে জনগণের কাছে যাচ্ছিস তোরা? কি বলছো? হ্যালো जी, अरे अजंता जी, मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं, आप कौन से मुद्दे पे वोट मांग रही हैं? हाँ, जो मुद्दा है वो है क्या, सोशलिस्ट पार्टी जो है वो सोशलिज्म, ये पूरा सोशलिज्म पूरा देश में आना चाहिए, तो ये तो हम लोगों को पास देखिए, ये पहले बार हम लोग चुनाव में, आप लोग तो टाउन में देता है तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट में चुनाव का कैंडिडेट आप लोग दिया। हाँ, तो हम लोगों को पास ये जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, ये वेस्ट बंगाल ये जो में बहुत परिचित नहीं है, तो हम लोग का जो मुद्दा है वो है क्या, कैपिटल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। हाँ, वो और जो है क्या, बेकारी, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड जो परिवेश, हाँ जो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट को बारे में हम लोग बात, हाँ बात बात करते हैं। हाँ, और बहुत सारा मुद्दा है, हम अभी इतना सारा हमारा पास तो अभी माइंड में नहीं है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं पांडे जी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आप अपना अच्छा प्रचार कीजिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले आप ही का चुनाव है, हमने आपके लिए अपील किया है सोशलिस्ट पार्टी के नेटवर्क में कि जो लोग आपको आर्थिक मदद कर सकें, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालें, वो अपील आज चला गया है।
उम्मीद है कुछ लोग आपको और मदद करेंगे। तो दीपेंदु भाई आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? दीपेंदु भाई अभी आवाज आ रहा है। हाँ दीपेंदु भाई बताइए आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तारीख को आपका पोलिंग है और आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं रायगंज से लड़ रहा हूँ। यहाँ का जो प्रॉब्लम है नौकरी, इधर का बहुत एडुकेटेड लड़का है जी। जी बोलिए बोलिए दीपेंदु भाई बोलिए। उनका कनेक्शन बहुत स्टेबल नहीं लग रहा है। चलिए सौरभ भाई आप जरा एक बार फिर से आ जाइए क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस था जब पहली बार आपसे बात कर रहे थे। हाँ सौरभ भाई तो आप थोड़ा सा जरा आप भी एक बार बताइए कौन कौन से मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हेलो, पहले जो मैंने बोला था करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन और ये जो बहुत जरूरी है हर पूरा कंट्री पे, ये एक बड़ा मुसीबत है। अभी कोई भी नारी सुरक्षा पर कोई जोर नहीं है और ये बात कोई अपना एजेंडा में भी नहीं रख रहा है। और जो एक बात है कि कुछ एक्सपोर्ट के बारे में मैं इस पे रख रहा हूँ कि जो हमारा इधर मैंगो, और आपको शायद मालूम ही होगा कि ये नदिया डिस्ट्रिक्ट का पहले का जो क्लॉथ ये जो था ये बाहर पे एक मैच बॉक्स के अंदर डाल के एक्सपोर्ट हो सकता था, ऐसा था इसका क्वालिटी। लेकिन ब्रिटिश ने इसको बर्बाद किया, फिर जाके यहाँ पे फिर भी है। तो मैं इन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैंगो का जो यूरोपियन कंट्री पे बहुत डिमांड है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है उसके मैंगो नहीं होता है और अफ्रीका पे भी ये मैंगो एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए मैं इस मुद्दे को रखूंगा सबके सामने। और जो है कि एग्रीकल्चर, जैसे मेरा कुछ दिन पहले उसी राममोहन हॉल पे, हेलो सुन रहे हैं ना? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कुछ वो राममोहन दीपेंदु शायद दीपेंदु बात कर रहे हैं वहां पे, दीपेंदु थोड़ा रुक जाओ। हाँ तो राममोहन हॉल पे और एक तो उसने मुझे बोला था कि वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करता है। तो मैं यही बात सबके सामने रखूंगा कि अगर वो हमको जिताने की कोई मदद कर सकता है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन लाने का कोशिश करूंगा क्योंकि इसने बोला हर चीजों पे वो ऑर्गेनिक 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 ला सकता है। तो ये तो एक अच्छा बात है। और दूसरा है कि कम्युनिकेशन, जो आज हमारा देश का ये जो कम्युनिकेशन है, मैं जो बाहर इतने कंट्री पे घूमा हूँ देखा हूँ कि इतना डेवलप्ड कंट्री जो जो है उसका कितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है लेकिन हमारा देश में जो बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि मतलब क्या बोलूँ कि जो हमारा ये बंगाल से इतने सारे रिवर्स है तो इसको अगर ठीक से किया जा सकता है तो हम इजीली बिना पॉल्यूशन पे हमारा नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल तक पहुंच सकते हैं। तो ये बात मैं रखूंगा। और जो है कि बाय रोड, रोड का जो हाल बहुत खराब है, ये कोलकाता में इवन इतना खराब है तो बाकी जगह पे क्या होगा वो तो पता ही आपको। तो ये बात को भी मैं चर्चा पे लाऊंगा सबके सामने। दूसरा बात ये है कि एथलेटिक्स, ये किसी को ध्यान नहीं है क्योंकि जो हमारा पॉलिटिशियन है वो तो ना तो कभी एथलेटिक्स पे ध्यान है ना तो उनका कभी एथलेटिक्स से कोई ध्यान है। तो ये बात लाऊंगा कि एथलेटिक्स जो है हमारा जो ग्राउंड है उस हर ग्राउंड को हमको डेवलप करना पड़ेगा। और जाके यही बात मैंने कहा कि 138 करोड़ से हवा भी है, इसलिए अगर क्रोएशिया जैसा एक कंट्री फुटबॉल वर्ल्ड कप पे खेल सकता है, हमारा देश अभी भी आज जिंदे में खेलते लगे हैं तो इसी खेल से हमको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके सब कुछ हमको खेलना पड़ेगा। ये जो स्लोगन दे रहा है मतलब जीत खेला हम जो मतलब कोई प्ले, तो ये बात है कि खेलना अगर पड़ता है तो ग्राउंड पर आके खेलना चाहिए ना कि पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स जो है जिम्मेदारों का खेल है। जिम्मेदारों का मतलब क्या बोलूं, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर खेल होगा ऐसा बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब बात है और यही बातों को मैं लेकर चर्चा भी करूंगा। 15 मिनट का स्पीच है मेरा, वो 15 मिनट का स्पीच मैं दूंगा। मैं
मैं जो भी जान पहचान है सबसे बात करके मैं ये जो आपको बोला हूँ 50 वार्ड्स है 3 मिनट में, ये 50 वार्ड्स पे मैं 3-4 दिन टाइम दूंगा और जो पंचायत है उसपे भी वो 3-4 दिन टाइम, तो 7-8 दिन वो टोटो पे 2 माइक लगा के घूमना पड़ेगा 15 मिनट। और ये बात एक बार हो सके तो एक बार से बात करूंगा उनसे, जो बाउल गा रहा है कोई ऐसा गाना गा रहा है उन लोगों उनमें से कोई अगर टाइम दे सकता है तो एक दिन हो सके तो उनको लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पता नहीं वो सक्सेस होगा या नहीं। और बाकी लिफलेट को लिफलेट पे 10-12 पॉइंट आपको सवाल पूछना चाहेंगे किसी कैंडिडेट से? मोहम्मद अहमद भाई, मैं सर बस इतना ही पूछूंगा हाँ। कि जो इन्होंने भी बंगाल में स्टेटमेंट दिया है कि बंगाल को आजाद कराने में मेरा पूरा हाथ है और मैंने बंगाल को आजाद करवाया, इसके बारे में वहां की जनता की क्या राय है? बांग्लादेश को तरुण भाई ने बांग्लादेश, बोलिए 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 हम लोग भी 1857 की वो जो आजादी की जंग था उसमें भी हम शामिल थे। कोई कोई बोल रहा है कि उस टाइम हम चाय भी बेच रहे थे बाहर हमारे पेट्रियट के लिए, ये बात आ रहा है इस पे सोशल नेटवर्क पे पूरा छा गया है कि हम भी 1857। कोई कोई बोल रहा है कि उन्होंने सभी पे था, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी था, मीडिया उसमें जबरदस्त नहीं थे उनको उनका प्रचार नहीं हुआ, इतना सब बात हो रहा है सोशल नेटवर्क को। चलिए ठीक है। अच्छा अभी दीपेंदु भाई फिर से आए क्या? दीपेंदु भाई नहीं, उनका कनेक्शन आज ठीक नहीं दिख रहा है। तो ये तरुण भाई आखिरी में फिर बताइए थोड़ा सा कि जो आपके कैंडिडेट हैं, आपके 6 कैंडिडेट हो गए, अजंता सरकार, सौरभ चक्रवर्ती, दीपेंदु सरकार, तरुण बैनर्जी, बिलाल शेख और शमशुल मियां। तो ये जो आपके 6 कैंडिडेट हैं, ये अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये भी पूरे बंगाल में फैले हुए हैं, ये कोई एक इलाके में नहीं है। तो ये इनके इनके प्रचार में आपको किस प्रकार का सहयोग सोशलिस्ट पार्टी से चाहिए वो थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। कोई अगर आना चाहे तो कलकत्ता में तो सिर्फ आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाकी जगह जाना चाहे जैसे सौरभ चक्रवर्ती के यहाँ, बिलाल शेख के यहाँ, दीपेंदु सरकार के यहाँ, अजंता सरकार के यहाँ या शमशुल मियां के यहाँ, तो कलकत्ता से कैसे जाएंगे, कितना दूर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जरा सा ये बता दी। कोई भी आना चाहे तो पहले मेरा घर आए हाँ। वहां से मैं कांटेक्ट करके भेज दूंगा, मेरा घर के घर में आए हाँ। खाना खाए, रेस्ट ले ले, उसके बाद मैं कांटेक्ट करके एजेंडा देके थोड़ा बहुत पर्चा देके भेज दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, वो हमें मालूम है कि आप कम्युनिटी किचन चलाते हैं, 50 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, ये तो मैं देख के आया हूँ। तो आपके पास खाने का कोई कमी नहीं है और ठहरने के लिए आपके पास पार्टी का ऑफिस भी है और सागरिका जी का घर भी है। लेकिन आप ये बताइए बस हमारे जो सुनने वाले लोग हैं पार्टी के, कि अगर कोई आता है कलकत्ता में तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एक करके बताइए। अजंता सरकार का कितनी दूर है, सौरभ चक्रवर्ती का कितनी दूर है, दीपेंदु सरकार का वहां से कितना दूर है, बिलाल शेख का कितना दूर है और शमशुल मियां का कितना दूर है, ये पांचों लोगों का आप थोड़ा बताइए कितना कितना टाइम लगेगा जाने। अच्छा अजंता दी का 40 मिनट हां, हावड़ा से 40 मिनट ट्रेन में दीपेंदु आप कलकत्ता से आके हावड़ा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे 40 मिनट में आप चिंफड़ा आ जाएंगे। अच्छा ठीक है और बाकी बाकी बताइए तरुण भाई, सौरभ भाई आपका, सौरभ भाई आप बताइए।
सौरभ का 2 घंटा, सौरभ का 2 घंटा, और दीपेंदु भाई का, उनका 10 घंटा, 10 घंटा लगेगा। अच्छा, और बिलाल शेख, बिलाल का 6 घंटा, 6 घंटा, और शमशुल मिया, 6 घंटा नहीं, बिलाल का 7 घंटा लग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और शमशुल मिया का, शमशुल का 8 घंटा, 8 घंटा, ठीक है। तो ये हमारे तरुण भाई बता रहे हैं कि जो 6 कैंडिडेट हैं वो सब कलकत्ता से 10 घंटे की दूरी के अंदर ही है। तो हमारे कोई भी साथी कलकत्ता जाना चाहे सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए, और तरुण भाई का कहना है कि इस चुनाव में वो सोशलिस्ट पार्टी का झंडा कलकत्ता में जगह जगह लगाना चाहते हैं, और पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कुछ मदद हो उनकी। और मैंने आज एक जनरल अपील अजंता सरकार के लिए डाल दी है, क्योंकि सबसे पहले उनका चुनाव है, लेकिन एक एक करके मैं बाकी लोगों के लिए भी डालूंगा, और बाकी लोग भी अपने बारे में थोड़ा जानकारी कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आप किस तरह का काम पहले किए हैं, कौन कौन सा मुद्दा है चुनाव में, अगर आपका नॉमिनेशन हो गया है तो वो बताइए, अगर सिंबल मिल जाए तो वो भी बताइए, और सिंबल जैसे मैंने कहा कि ठेला गाड़ी सिंबल मिला है जनता सरकार का, तो हम कोशिश करें कि बाकी लोग भी ठेला गाड़ी ही ले, हाथ वाला ठेला गाड़ी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पार्टी की तरफ से जितना मदद हो सके करें, लेकिन हम हर एक कैंडिडेट के बारे में उनका जानकारी डाल के, उनके बारे में जानकारी डाल के सोशलिस्ट पार्टी के नेटवर्क में अपील करेंगे कि अगर लोग उनका कुछ आर्थिक मदद कर सके तो करें। तो सबका मुझे कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कुछ इलेक्शन में जो इश्यूज हैं वो, और इसके अलावा उनका बैंक अकाउंट डिटेल, इलेक्शन सिंबल, ये सब जो है जानकारी ईमेल पे हम लोगों को भेज दें, मुझे भेज दें, बॉबी रमाकांत को भेज दें, तो हम लोग एक एक करके सबके लिए ये अपील करेंगे। तो ये इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पार्टी की तरफ से जितनी मदद हो सके हमारे उम्मीदवारों की मदद हो। हमें मालूम है कि ये चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, और खास करके बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो तो जो सीमा तय की है चुनाव आयोग ने उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे उम्मीदवारों की कुछ मदद हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और तरुण भाई को खास करके जो सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में स्थापित कर रहे हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई के बीच में, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सोशलिस्ट पार्टी भी पश्चिम बंगाल में उसका भी झंडा लहराएगा। इसके साथ मैं तरुण भाई को फिर से बधाई देता हूँ कि आपने 6 कैंडिडेट खड़े किए हैं, और दो चार कैंडिडेट तो खड़ा होने के लिए हर रोज फोन कर रहा है, मैं क्या करूं मालूम नहीं है, मैं मना कर दिया क्योंकि सेंट्रल फंड नहीं है, मैं बोलते मना। हाँ, नहीं, हमें लगता है कि अभी रहने ही दीजिए, छह भी काफी है। मालदा डिस्ट्रिक्ट में ना हमारा पुराना साथी है ना सोईदुल, जी, वो बोल रहे है शमशुल्ला भी खड़ा हो रहा है तो मैं क्यों खड़ा नहीं होऊंगा, ये लोग सब शुरू से 2005 से मेरा साथ है। नहीं, आप देख लीजिए, जिसको बहुत जरूरी है उसको खड़ा कीजिए। सोहिदुल बहुत साल का, इकबाल दा बहुत साल साथ से समाजवादी आंदोलन का साथ है, इकबाल दा खड़ा नहीं होना चाह रहा है, लेकिन सोहिदुल आज नहीं, वो निर्णय तो आपको बंगाल के स्तर पे ही लेना पड़ेगा कि किसको खड़ा करना है किसको नहीं करना है, और जो बहुत ज्यादा इच्छुक है उसको खड़ा होने दीजिए, हम लोग जितना मदद हो सकेगा करेंगे। सोहिदुल को तो आप देखा मैं मिला। हाँ हाँ, वो सोईदुल ही हर रोज फोन कर रहा है, मैं बोला लोकसभा में देखा जाएगा, अभी 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 थाम दो, मैं बोला ठीक है। तो हम लोग अभी तरुण भाई इसको बंद करेंगे, और एक बार फिर से आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं, और ये मुझे ये हलीमा दिखाई पड़ रही है मोहम्मद अहमद के कान में कुछ बोल रही है, हलीना आदाब आदाबर्स ठीक है, तो हम लोग जो है अभी इसको बंद करेंगे, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तरुण भाई, आप जो है आप इस चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी का कुछ नाम करें ऐसा हम लोग सब लोग चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और लोग
बाकी जगहों से भी आपके लिए प्रचार में जाए। बहुत 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 नहीं, मैं तो आपका शिष्य बन के काम करूंगा पूरा लाइफ। सोशलिस्ट पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी का ऑन बी आप सोशलिस्ट पार्टी आपका शिष्य बन के काम करूंगा। बना रखता हूँ मैं, इधर उधर भागता नहीं। हम लोग नहीं, ये बात सही है, हम लोग धीरे धीरे करके सोशलिस्ट पार्टी को खड़ा करेंगे। हाँ खड़ा कर देगा, खड़ा कर देगा। देखिए बंगाल में देख लेते, सही बात है। नमस्ते सबको, नमस्ते सौरभ भाई, दीपेंदु भाई, अजंता बहन, सबको नमस्ते जी जी, और सबको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं।